हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल रेबेल्स डिशेस। आज हम बना रहे हैं 6 रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक्स जो आप रमज़ान में भी बना सकते हैं। तो इन ड्रिंक्स में मैंने थ्रू आउट शुगर सिरप का यूज़ किया है। उसके लिए मैंने 100 ग्राम शक्कर को 120 ml पानी में डालकर पका लिया था, थोड़ा सा थिक बना लिया और इसे आप स्टोर कर लें कांच की बॉटल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ मस्मलन मिल्क शेक। मस्मलन मिल्क शेक के लिए आपको चाहिए 200 ग्राम खरबूजा, जिसे मैंने छील के इस तरह से कट कर लिया। 200 मिलीलीटर दूध चाहिए ठंडा, और 2 स्कूप्स ऑफ बटर स्कॉच आइसक्रीम। बटर स्कॉच का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1.5 टेबल स्पून शुगर सिरप। शुगर एनीवेज आप अपने हिसाब से डालेंगे, इट विल डिपेंड ऑन योर लाइकिंग। एंड सेकेंडली, फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स में ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका फ्रूट कितना मीठा है। तो ये सारी चीज़ों को बस आपने ब्लेंडर में डालना है और इसे ब्लेंड कर लीजिए। तो मैं आपको ये ब्लेंड करके दिखा दूंगी अभी। तो ये देख लीजिए, मैंने इसे ब्लेंड कर लिया ठीक तरह से। तो मैंने ग्लास लिया है, ग्लास में आइस क्यूब्स डाले हैं और मैंने मस्त मेलन को स्कूप आउट करके इस पे लगा दिया है। तो मस्त मेलन और सेकेंड ड्रिंक इज ऑरेंज चस्का। इसके लिए आपको चाहिए 250 ml मिल्क, 250 ml ऑरेंज जूस, 8 से 10 पुदीने के पत्ते और 1/4 चम्मच या 1 पिंच समझ लें चाट मसाला, और 2 से 3 टेबलस्पून आप ऑरेंज फ्लेवर के जो पाउडर ड्रिंक्स आते हैं जैसे कि टैंग, वो ले लीजिए और उसको बहुत ज़रा से पानी में डिजोल्व कीजिए। से अबाउट 1/4 कप ऑफ वाटर उसमें आप डिजोल्व कर लीजिए, और 2 टेबलस्पून शुगर सिरप। और मैंने आइस क्यूब्स भी लिए हुए हैं ब्लेंडर में ऑलरेडी। तो मैं बाकी की सारी चीज़ें डाल देती हूँ एंड वी विल ब्लेंड इट। तो ये मैंने ब्लेंड कर लिया ऑरेंज चस्का, और मैंने एक ग्लास लिया है जिसमें मैंने ऑरेंज के स्लाइस से गार्निशिंग की है। तो बस इसमें हम पोर कर देंगे एंड आर ऑरेंज चस्का इज रेडी। ओके, सो कमिंग ऑन टू आर थर्ड ड्रिंक विच इज पीना कुलाडा, ऑफकोर्स वर्जिन पीना कुलाडा। तो इसके लिए आपको चाहिए 1.5 टेबल स्पून शुगर सिरप, 1.5 कप पाइनएप्पल जूस, और आपको चाहिए 1.5 टेबल स्पून कोकोनट मिल्क, 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस, आपको चाहिए 1/2 कप ऑफ मिल्क, 1/2 कप ऑफ फ्रेश क्रीम एंड 4 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट क्रीम। अच्छा, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर मैं कम क्वांटिटी क्यों यूज कर रही हूँ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू मेक 1 ग्लास। कुछ ड्रिंक्स में सिर्फ 1 ग्लास बना रही हूँ, अदरवाइज माई एंटायर फैमिली विल हैव टू गो ऑन अ लिक्विड डाइट टू फिनिश देम। तो अच्छा, कोकोनट मिल्क और कोकोनट क्रीम आपको इजीली हर जगह पर इजीली आपको कैंस में मिल जाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑनलाइन आप देखेगा, सर्च करेगा, आपको मिल जाएगा कोकोनट क्रीम। जस्ट इन केस यू वांट टू यूज फ्रेश कोकोनट क्रीम, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। तो अगेन, सारी चीजों को हम इसमें डाल लेंगे और ब्लेंड कर लेते हैं। तो देख लीजिए, मैंने इसे ब्लेंड कर लिया और मैंने इस ग्लास की रिम पर डेसिकेटेड कोकोनट लगाया है और एक पाइनएप्पल का स्लाइस मैंने लगा दिया है ग्लास पर। सो आई हैव गार्निश्ड इट दिस वे। सो योर पीना कोलाडा इज आल्सो रेडी। सो आर नेक्स्ट ड्रिंक इज रिफ्रेशिंग मैंगो ड्रिंक। इसके लिए आपको चाहिए 2 कप पाइनएप्पल जूस, 3 टेबल स्पून शुगर सिरप एंड यू नीड 2 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस, 8 मिंट लीव्स एंड 2 कप्स ऑफ मैंगो जिसे आप क्यूब्स में कट कर लीजिए, और 1 पीच ले लीजिए जिसका आप स्किन निकाल दीजिए एंड जस्ट कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। तो अगेन, और मैंने इसमें ब्लेंडर में मैंने आइस क्यूब्स ले लिए, सो आई विल ऐड एवरीथिंग। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है, इसे आप एक ग्लास में निकाल लें एंड यू कैन गार्निश इट विद मिंट लीव्स। ये देखिए,
नेक्स्ट ड्रिंक इज सनराइज ड्रिंक. इसे सनराइज ड्रिंक इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ द लवली कलर्स दैट इट हैज. इसके लिए आपको चाहिए होगा ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, और ये एक पोमोग्रेनेट का ड्रिंक है. तो मुझे यहाँ पर इस तरह का ड्रिंक मिल गया, इसमें ये बेसिल यानी सब्जा डला हुआ, ये पोमोग्रेनेट का ड्रिंक है. तो इस तरह का ड्रिंक मुझे यहाँ मिल गया. आप चाहें तो इंडिया में आपको वो भी मिल जाते हैं, पेपर बोट के अनार वाले ड्रिंक्स आते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. बेसिकली वी डोंट वॉन्ट पोमोग्रेनेट जूस बिकॉज वो बहुत लिक्विडी हो जाएगा. थोड़ा सा कोई थिक कंसिस्टेंसी का आप पोमोग्रेनेट का ड्रिंक ले लीजिए. ग्रेनाडाइन सिरप इज ऑल्सो वन ऑप्शन. यहाँ और हमें चाहिए से 1.5 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस और 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर सिरप. तो मैंने एक ग्लास में आइस क्यूब्स डाल दिए हैं. सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी लेमन जूस एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर सिरप. ये ऐड कर दिया और अब मैं इसमें ये ड्रिंक ऐड करूंगी, पोमोग्रेनेट की जो ड्रिंक मैं आपसे कह रही थी. यूजिंग द स्पून, एक स्पून की हेल्प ले लें और बैक ऑफ द स्पून से आप इसे स्लोली स्लोली पोर करते जाइए. वेट फॉर सम टाइम, लेट इट सेटल डाउन. तो ये देखिए आपको थोड़ा सा रेड कलर आ गया. अब मैं इसमें ऐड करूंगी ऑरेंज जूस वेरी स्लोली विद द हेल्प ऑफ अ बैक ऑफ अ स्पून. ये इस तरह से चला गया. तो ये आपको बेसिकली ये थोड़ा थोड़ा सा ड्रिंक्स डालते जाने हैं. और अब हम डालेंगे इसमें पाइनएप्पल जूस. सो वी आर कमिंग टू आवर फाइनल ड्रिंक एंड दैट इज पीचेस एंड स्ट्रॉबेरी ड्रिंक. इसके लिए आपको चाहिए 1 कप ऑफ स्ट्रॉबेरीज, 3 पीचेस ले लीजिए. अगेन उन्हें आपको पील करना है और कट कर लेना है, चॉप कर लेना है. यू नीड एनी वाइट ड्रिंक लाइक स्प्राइट और 7 अप, 300 ml, एंड यू नीड 2 टेबलस्पून्स ऑफ शुगर सिरप. और ब्लेंडर में मैंने आइस क्यूब्स ऑलरेडी ले लिए हैं, तो मैं बाकी की चीजें ऐड कर दूंगी. तो ये मैंने ब्लेंड कर लिया और मैंने ग्लास पर एक स्ट्रॉबेरी लगा ली एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पोर दिस इन दिस ग्लास एंड योर पीचेस एंड स्ट्रॉबेरी ड्रिंक इज रेडी. दिस इज अ वेरी वेरी यमी ड्रिंक, डू गिव इट अ ट्राई. सो ऑल आर लवली ड्रिंक्स आर परफेक्टली रेडी नाउ. सो इफ यू हैव रियली लाइक माई वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. और जरूर ट्राई करिएगा एंड शेयर द पिक्चर्स विद मी. आई वुड लव टू सी हाउ डिड यू गार्निश योर ड्रिंक्स एंड डू लेट मी नो विच वन इज योर फेवरेट ड्रिंक. थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.